सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हसन अली ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑस्ट्रेलिया का जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से जो पाकिस्तान का मैच है कल, उसके हवाले से उनसे पूछा गया कि क्या मूड है टीम का, इंडिया के अगेंस्ट हार गए हैं एंड गाड़ी चलते चलते रुक गई है एंड ऑल। तो ही सेड गया, बिल्कुल गाड़ी चलते चलते रुकी है, एक स्टॉप आ गया था, बट आगे भी बहुत से स्टॉप हैं और हर स्टॉप पर हम दो दो पॉइंट्स कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑब्वियसली हसन अली बिंग हसन अली, जो उनका स्टाइल है, जो उनका है कि ऑरा है, मैं कहूँगी, जिस तरह से वो अपने आप को कैरी करते हैं फ़नी वे में, तो उन्होंने इसी तरह से आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और ड्रेसिंग रूम का माहौल उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है एंड प्लेयर्स फोकस हैं और कॉन्फिडेंट है और इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी पूछा गया कि बड़ी टीम है, एक मैच हारे हुए हैं, दिस एंड दैट। उन्होंने ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट एन ईजी टीम, और है कि बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया और ऑब्वियसली हम भी बड़ी टीम है और उनके अगेंस्ट हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा परफॉर्म करें और अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करें। और फिर उनसे पूछा गया कि इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान अपने कैलिबर पे नहीं खेला और बहुत है कि पाकिस्तान लो परफॉर्मेंस दी, जो पाकिस्तान का स्टाइल है, जो पाकिस्तान की एबिलिटी थी उस हिसाब से पाकिस्तान ने नहीं खेला। तो अब आप कह रहे हैं कि गाड़ी आगे चलेगी तो किस तरह से चलेगी? तो अगेन उन्होंने सेवेज रिप्लाई दिया कि पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता नहीं हो गया। खैर, फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि हमने अच्छा नहीं खेला अगेंस्ट इंडिया और अच्छी परफॉर्मेंस हमारी नहीं हुई और है कि हमने जिस तरह से हमें खेलना चाहिए, जिस तरह से हमें अच्छा खेल पेश करना चाहिए, उस तरह से हमने नहीं पेश किया, बट इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। और हमने डिस्कशन की है, जो भी हमारी गलतियां थी काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हुई है और उस पर हमने ट्रेनिंग सेशन में काम भी किया है और है कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। फिर उनसे पूछा गया प्लेयर्स जितने भी फिट हैं, 13 फिट प्लेयर्स हैं, आई डोंट नो, पहले तो कहा कि 13 फिट प्लेयर्स हैं, इसके बाद कहा कि जस्ट सारे ही फिट हो गए हैं और जस्ट जो फ़खर जमान है उनका कुछ नहीं का प्रॉब्लम है, बट खैर फर्स्ट उन्होंने कहा कि 13 फिट पूछा गया कि 13 ही पाकिस्तान के जस्ट फिट प्लेयर्स हैं, तो क्या पाकिस्तान की स्ट्रेटजी होगी और किस तरह से पाकिस्तान है कि अपने आप को कैरी करेगा दिस वर्ल्ड कप। सो ही सेड कि सिकनेस तो किसी को भी हो सकती है, किसी ने सिकनेस किसी के हाथ में नहीं है। और फिर उन्होंने मजाक के बलाए में कहा कि हम रूम ही रूम में हैं, यानी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न पाकिस्तान टीम इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रही है, जस्ट होटल से स्टेडियम, स्टेडियम से होटल, यही पाकिस्तान की वहाँ पे है कि जो मूवमेंट है पाकिस्तान की, तो यही पाकिस्तान की है कि बाहर है सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से नहीं जा रहे, जो कि आई थिंक अच्छा मूव है। पाकिस्तान टीम को एक है कि एडिशनल सिक्योरिटी दरकार है वहाँ पे। तो खैर उन्होंने कहा कि हम रूम ही रूम में हैं, तो दैट्स वाई रूम सिकनेस हो गई है हमें। और ऑस्ट्रेलिया से ऑब्वियसली बड़ा मैच है और ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है, बट हम भी एक बड़ी टीम है और हम यहाँ वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए हैं, सारी टीमें यहाँ पे वर्ल्ड कप जीतने आई हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट दें और अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। फिर पेस अटैक के बारे में पूछा गया कि पाकिस्तान का पेस अटैक, जब पाकिस्तान ने एशिया कप की शुरुआत की थी ड्यूरिंग द एशिया कप, और यही बात हो रही थी कि पाकिस्तान के पास बेस्ट पेस अटैक है, बट अभी अब यही पेस अटैक हमें वीक लग रहा है। तो ही सेड के पेस अटैक के बारे में हमने नहीं कहा कि वर्ल्ड बेस्ट है, ये दुनिया कहती है कि वी हैव माशाल्लाह वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट जो पेस अटैक है, और पूरा ही है देखा जाए तो वही पेस अटैक है, बस एक नसीम की कमी है और नसीम की जगह पर मेरी, उन्होंने कहा कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है जो कि शायद आप लोगों को पसंद नहीं आ रही, और है कि बट उन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन दिस वर्ल्ड कप। और शाहीन के बारे में उन्होंने कहा कि वो अभी इतना ज़्यादा रिधम में नहीं है, इतने ज़्यादा फॉर्म में नहीं है, बट ही इज़ अ चैम्पियन प्लेयर एंड ही कैन बाउंस बैक, और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे टाइम पास होगा इंशाल्लाह वो अपना रिधम गेन कर लेंगे और अच्छी परफॉर्मेंसेज देंगे, बिकॉज इन्होंने बहुत ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान में जितवाए हुए हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, ही इज़ अ मैच विनर बॉलर। और फिर मिडल ओवर्स के बारे में उनसे पूछा गया कि मिडल ओवर्स में आपको बोल दिया जाता है, नए बॉल से भी आप करते हैं, मिडल ओवर्स में भी आप करते हैं, तो क्या आपको उसमें प्लान दिया जाता है, क्या आपका रोल है? उन्होंने कहा कि मुझे ये रोल दिया गया है कि मुझे नए बॉल से भी बॉल करनी है, मिडल ओवर्स में भी मुझे बॉल करनी है, मुझे रन्स है कि रोकने हैं, बिकॉज मिडल ओवर्स में थोड़ा सा रन्स रोकना मुश्किल हो जाता है। मेन पॉइंट यही है कि आप सामने वाली टीम की विकेट्स लो, बिकॉज ये जो जिस तरह के ट्रैक हैं, अगर आप विकेट्स नहीं लेते तो फिर आपको रन्स आप नहीं रोक सकते, रन आप उसी सूरत में रोक सकते हो जब आप विकेट ले सकते हो, तो आपको अपना एक्सपीरियंस यूटिलाइज़ करना है, अपनी स्किल्स यूटिलाइज़ करनी है और है कि स्मार्ट बॉलिंग करनी है।
है कि उनसे दोबारा है कि जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स अनफिट थे या जो सिक थे, जो वायरल फ्लू हुआ था उसके हवाले से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सब ने ही ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया है, बट जस्ट एक फ़खर के बारे में आई थिंक थोड़ा सा उनका नी का प्रॉब्लम चल रहा है, बाकी तो सब ने ही रिकवर कर लिया है। और मोहम्मद हारिस भी, जिन्होंने कल प्रैक्टिस सेशन हिस्सा नहीं लिया था, जो ट्रेवलिंग रिजर्व में थे, आज उन्होंने भी प्रैक्टिस सेशन हिस्सा लिया है, तो सभी माशाल्लाह फिट हो गए हैं। फिर अगेन हॉस्पिटैलिटी के बारे में उनसे सवाल पूछा गया। एक तो पता नहीं हॉस्पिटैलिटी जितनी शानदार मिली थी, खैर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैदराबाद, बट या अहमदाबाद में जिस तरह की हॉस्पिटैलिटी पाकिस्तान को मिली है तो इस हिसाब से बनता तो नहीं था पूछना। बट ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के सनेरिया कोई भी खैर इस तरह की बात नहीं कर सकता कि जो अहमदाबाद में शानदार किस्म का माहौल था उसके हवाले से। बट स्टिल खैर पूछा गया, तो अब जाहिर है यही जवाब देना था कि हॉस्पिटैलिटी इज़ गुड सो फार। एंड फिर उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी हम ज़्यादा बाहर नहीं जा सक रहे हैं, बट जितनी भी हॉस्पिटैलिटी अब तक मिली है वो बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के तो यही कहा जा सकता है। और फिर है कि उनसे पूछा गया कि आप टीम में नहीं थे, ऑलमोस्ट एक साल तक आप टीम में नहीं थे, जब आप आए थे तो आपने अपने किन एरियाज़ पे काम किया, किन मिस्टेक्स पे काम किया। ये शायद कि मेरे पास जादू की छड़ी आई है सर, और मैं टीम में हूँ एंड ऑल। तो फिर उन्होंने कहा कि खैर मैं एक साल से टीम से बाहर था, बट मैंने कोई स्पेशल नहीं किया, मैंने जस्ट अपना हार्डवर्क किया है और मैंने अपने बेसिक्स पे काम किया है, अपने स्किल्स पे काम किया है, एंड नथिंग स्पेशल। और उन्होंने कहा कि जहाँ भी मुझे मौका मिल रहा था, क्रिकेट जहाँ पे भी हो रही थी, मैं वहाँ पे उस मौके को अवेल कर रहा था, वहाँ पे परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहा था, एंड दैट्स ऑल आई डिड जितना अरसा भी मैं टीम से बाहर रहा हूँ। फिर ऑस्ट्रेलिया के हवाले से पूछा गया कि स्टीव स्मिथ, मतलब उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, ऑब्वियसली पूरी खैर पूरी टीम ही ऑस्ट्रेलिया की बहुत स्ट्रांग है, जो भी खैर उनकी परफॉर्मेंस रही हो स्टार्ट इन जो भी स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, बट उनकी बहुत ही अच्छी एक बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया, एक माइटी टीम है, वी ऑल नो दैट। और बैटिंग भी उनकी बहुत अच्छी है, स्पिन डिपार्टमेंट भी अब एडम दमपावर सब अच्छा कर रहे हैं लास्ट मैच से, और पेसर्स तो हम सब जानते ही हैं कि उनके पास ही बहुत ही अच्छे पेसर्स हैं। तो फिर उनसे पूछा गया कि भाई उनकी बैटिंग लाइन बहुत लंबी है, स्टीव स्मिथ हैं, जो है रूट हैं, सॉरी जो है रूट नहीं, वो मार्निस लंबिशन हैं, तो क्या आपने प्लानिंग की है, और बैटिंग ट्रैक है क्योंकि, तो रन्स कैसे रोकेंगे, तो इस हवाले से आपने क्या प्लानिंग की है। वो उन्होंने कहा कि बैटिंग ट्रैक है, अगेन उन्होंने मजाक में कहा कि बैटिंग ट्रैक है भाई, हम नहीं खेल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत अच्छे बैटर हैं, और बट हमें, हमारे पास भी एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, हमारे पास भी एक्सपीरियंस है और स्किल्स हैं हमारे पास, और हम उससे कोशिश करेंगे कि कम से कम है कि रन्स रोक, मतलब है कि कम से कम रन्स लीक करें, और है कि विकेट्स लेने की कोशिश करें, बिकॉज जब तक इन विकेट्स पे आप विकेट्स नहीं लोगे आपको रन्स पड़ेंगे, रन्स उसी सूरत में रुक सकते हैं जब आप विकेट लोगे। और ऑब्वियसली उनके पास बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है, ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है, बट हमारे पास भी है कि कॉन्फिडेंस है और हम भी अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करेंगे और इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। दैट वाज ऑल फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ हसन अली, एंड आई थिंक दैट वाज ओके, दैट वाज क्वाइट गुड मैं कहूँगी, बिकॉज जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ऑल तो हम इंडिया से हारे हैं, बट जिस तरह से उन्होंने कहा कि इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो यही होना चाहिए कि आप अगर हार गए हो तो जस्ट उसको भूल जाओ, बट ये हमारा मीडिया, ये हमारा आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखो तो ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, बट ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जस्ट दो सवाल पूछे गए, बाकी सारे वही सवाल व्हाट अबाउट हॉस्पिटैलिटी, व्हाट अबाउट द लॉस्ट अगेंस्ट इंडिया एंड दिस एंड दैट एंड ऑल। तो खैर इस तरह की बातें हुई है, तो ये तो खैर जर्नलिज्म का मैार तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। एनीवेज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट। अल्लाह हाफिज़।